साल पूरे हो गए हैं बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी परेशानी में है, बीजेपी बेचैनी में है, उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, कुर्सी समाप्त होने वाली है उनकी चंद दिनों में, तो बिल्कुल परेशानी में है, तो सवाल तो उठाएंगे और उसका सवाल सही सवाल तो बिहार की जनता देने के लिए तैयार है। 2024 के बाद भाजपा दिखाई नहीं देगा कि भारत में कहां पर है। पर बीजेपी तो बीजेपी कह रही है कि पिछले एक साल में नीतीश कुमार की बहुत उपलब्धि है, करप्शन बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, मोटेशन के नाम पर लाखों रुपए की लूट हो रही है, और नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि बिहार बहुत खुशहाल और तरक्की है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही है, वहाँ तो देश के सभी लोगों को जाना चाहिए। बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में मध्य प्रदेश है, यहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही है, वहाँ तो सत्य हरिश्चंद्र लोग हैं और उनके पास तो ऐसा मशीन है कि एक बार उसमें डुबोते हैं सत्य हरिश्चंद्र पैदा होते हैं। अभी तो महाराष्ट्र के अजीत पवार के बारे में देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हमसे ज़्यादा तो आप ही लोग जानते हैं क्या बोलते थे। अब अजीत पवार उनके यहाँ चले गए तो एकदम सत्य हरिश्चंद्र हो गए। तो जितना सत्य हरिश्चंद्र है, जितना बेहतर काम करने वाले हैं, जितना अच्छा काम करने वाले हैं, जितना ईमानदार लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में, और जितने बेईमान लोग हैं, जितना अच्छा काम करने वाले नहीं है, सब दूसरे पार्टियों में रहते हैं। और जब उनके यहाँ चले जाते हैं ये बेईमान लोग, उनके परिभाषा के अनुसार, उनके अनुसार सब सत्य हरिश्चंद्र हो जाते हैं। जेडीयू के फंडिंग में मेरा सबसे बड़ा योगदान है, तो उनसे ना पूछिएगा कि काहे लोग फंडिंग कर रहे थे, वो काहे लोग फंडिंग कर रहे थे, वो क्यों फंडिंग करने के लिए बेचैन क्यों थे। निशिकांत दुबे जी जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं, आज अलग हुए हैं तब ना सवाल उठा रहे हैं, जब साथ थे तो सवाल तो नहीं उठाते थे। यही इनका दोहरी चरित्र है, करना कुछ नहीं है, आरोप सिर्फ लगाना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बेबुनियाद बात, सत्य से परे बात बोल करके जनता, देश के जनता के सामने भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसका पूरा जवाब 2024 में उनको मिल जाएगा। इसका मतलब है, मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं के द्वारा जो नफरत फैलाया जा रहा है, भाईचारा और प्रेम को ख़त्म किया जा रहा है, इसी बीच में जनता दल यू, इंडिया परिवार नफरत को ख़त्म करेगी, प्यार का पैगाम देगी, आपस में मिल्लत और प्रेम पैदा करेगी। मिल्लत प्रेम और भाईचारा जहां होता है वही समाज चलता है, वही समाज आगे बढ़ता है, वही राज आगे बढ़ता है, वही देश आगे बढ़ता है। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, और नफरत की बीज जो बोया गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उसको ख़त्म करना है।